गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 3 को दोहनम के आंसर्स पढ़ाए थे। कल हम 4 तक पढ़ चुके थे, आज हम फिर से पढ़ेंगे। तो ओपन द बुक्स, हाथ में रखो पेंसिल और आप इसके आंसर साथ साथ फिल कर देना, लिखते जाना। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको उसमें घटना क्रमानुसार लिखना, मतलब की जो कहानी है उसको आपको 8 सेंटेंस में दिया हुआ है, उस कहानी को आपको 8 सेंटेंस को जो है वो क्रम से जमाना है। तो नंबर 1 पे आएगी मल्लिका पूजार्थम मोदकानी रचयति, मतलब मल्लिका पूजा के लिए मोदकानी लड्डुओं को रचती है। अब है दूसरा है सा सखी भी सह तीर्थयात्रा प्रतिवस्ती, वह सखियों के साथ तीर्थयात्रा की ओर जाती है। सासा टिक लगाते जाइए, 1 2 3 लिख जाइए सेंटेंस के आगे। ओमा मासा अटे उसार्थम दुग्धस्य आवश्यकता, महीने के अंत में उत्सव उसमें दूध की आवश्यकता होगी, ऐसा उसने ओमा ने चंदन को सूचित किया था। उसके बाद चंदन ने कहा कि उत्सव के समय में अटे दूध की आवश्यकता होगी, इसलिए हमें दूध नहीं धोना चाहिए। फिर चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा करके वापस आई। 5 में 6 में दोनों नंदिनी की सेवा करना शुरू कर दिया। 7 में उत्सव के दिन दोनों दूध धोने का प्रयत्न किया तो नंदिनी ने पैर से प्रहार कर दिया। उसके बाद 8वां सेंटेंस आएगा 6 वाला, उसमें आएगा कार्याणी समय करनी, यानी मतलब कार्य को समय पर ही करना चाहिए। चंदन नंदिनिया पर प्रहार अवस्थी, चंदन गाय के पैर के प्रहार से बात समझ गया था कि जो कार्य जिस समय करना चाहिए उसी समय करना चाहिए। तो ये आपके 8 जो सेंटेंस है क्रमानुसार जमा लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें आपको सेंटेंस दिए गए हैं कि ये सेंटेंस किसने किसको कहे, ये सेंटेंस किसने किसको कहे वो लिखने में। पहला है धन्यवाद मामा अब मैं जाती हूँ, तो ये वर्ड किसने कहे थे, छोटी सी बालिका आई थी उमा, तो उमा ने कहते चंदन को उमा चंदनम प्रति। दूसरा है 30 एकड़ इतम दुग्धम, 300 लीटर दूध चाहिए, बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, ऐसा किसने कहा, चंदन ने कहा था उमा से, तो चंदन है उमा प्रति। थर्ड है हमारा कि मूल्य तो दूध बेचने पर ही प्राप्त होगा, जो घड़े लेने जाते हैं ना तो कुंभकार बोलता है कि पैसे दे दो घड़े ले जाओ, तो उसने कहा कि मूल्य तो आपको दूध बेचने के बाद ही दे सकूंगा मैं, तो वो वर्ड चंदन ने कहे थे कुंभकार को, तो चंदन है कुंभकारम प्रति। एक पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करना चाहता हूँ, तो यह कुंभकार ने कुमार ने कहा था मल्लिका को, तो कुंभकार है मल्लिकाम प्रति। एक देखी मुझे ज्ञात है कि ये सब कुछ गलत हुआ है, तो किसने कहा था, चंदन ने कहा था अपनी पत्नी को, चंदन है मल्लिकाम प्रति। ठीक है, तो आप उन दोनों आंसर को अपने बुक में पढ़ा और फिर बन लीजिए ताकि आप इसे रीडर में कर सको। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर 2 क्वेश्चन दिए हुए, पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करनी है, संधि करनी है, संधि का नाम से पूछा नहीं गया हमसे, तो संधि विच्छेद या फिर संधि नहीं मिलाना है। पहला है सिवास ते उसी प्लस ते, मनोहर मन मने प्लस हर, सप्ताह अंते सप्ताह प्लस अंते, नेच्छामि ने प्लस इच्छामि, अत्युत्तम अति प्लस उत्तम है। ठीक है, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, C
शिवाय प्लस ते शिवास्ते, मनोहर मने प्लस मनोहर, सत्ता प्लस अंते सत्तांते, नय प्लस इच्छामी इच्छामी अति प्रसुप्तम है अत्युत्तम है। इसमें आपको संधि का नाम नहीं पूछा है, फिर आपको बता देती हूँ मैं, पहले में और दूसरे में विशेष संधि है। विशेष संधि का भेद है ये, वो सतु संधि और उतु संधि, सतु संधि और उतु संधि। दूसरे में आप पे है ए और एन के आवंतर, उसमें दीर्घ संधि है। नय प्लस इच्छामी ए और इन के ए बन जाते हैं, यहाँ पर गुण संधि है और यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। इन दोनों में तो आपके विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि में सतु संधि उतु संधि, और इसमें आपके दीर्घ संधि है, ये गुण संधि और ये यण संधि। उसके आगे दूसरा है सीखा कि हमें इसमें आपको प्रत्यय दिए हुए, तो कुछ तो आपको अलग किया करके दिया हुआ है, कुछ आपके संयोजन में दिया हुआ है, तो संयोजन वाला उसे अलग करना है, जो अलग वाला संयोजन करना है। पहला है करणियम, करणियम में क्रय प्लस अनियन। दूसरा है विक्रिय, बी प्लस ई प्लस एफ दिया हुआ, तो इसको बन जाएगा विक्रिय। तीसरा है पठितम, तो पट प्लस आपको प्रत्यय भूतकाली क्रिया में लगता है। ताड़े प्लस पथुआ, तो ताड़ी हुआ। अब है दो प्लस तुमुन, इसमें तुमुन प्रत्यय छिपा हुआ है, तो आप इसमें से कुछ आंसर कंप्लीट हुए, तो आपको सारे कुछ आंसर सब अपनी निर्देश बुक में फेयर में करने हैं।